नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 29 अप्रैल 2020, क्या ख़त्म हो जाएगी पूरी दुनिया? नहीं बचेगा कोई प्राणी। आपको पता होगा, पहले भी एक बार अलका पिंड की बारिश हुई थी लगभग 4 करोड़ साल पहले, और तब जो डायनासोर का खात्मा हुआ था और जीवों की उत्पत्ति हुई थी। जो स्थलधारी जीव है ना, उसकी उत्पत्ति हुई थी जब डायनासोर का खात्मा हुआ था तब। क्या एक बार फिर से इसी तबाही दोहराई जाएगी, और हो जाएगा क्या धरती पर एलियंस का राज? क्या है सच्चाई? आखिर कौन हमसे ये बात छुपा रहा है? सभी बातों का हम डिस्कशन करेंगे वीडियो के अंदर। पहले आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, आपको किसी भी बहकावे में नहीं आना है और किसी भी चीज़ पर कुछ भी विश्वास नहीं करना है। मैं आपको लेके जाऊंगा सीधे नासा की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, वहां पर आप खुद देख सकते हैं आखिर कौन, आखिर होने वाला क्या है, सच्चाई क्या है, वो आपके सामने होगी। और इन्हीं सच्चाई को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, उनके साथ भी ये खबर पहुंच सके, ना कि झूठी अफवाह। 29 अप्रैल को एक एस्टेरॉयड अपने पृथ्वी के पास ज़्यादा ही निकट से गुजरने वाला है, और उसकी जो रफ्तार है ना दोस्तों, वो ऐसी है कि देखकर आप भौचक्के हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य हवाई जहाज से कई गुना ज़्यादा स्पीड से गुजरेगा। और वास्तव में हकीकत यह है दोस्तों कि आप जो देख सकते हैं, नासा ने पूरा इसका सच बताया है। सोशल मीडिया पर लोगों का दावा है कि 29 अप्रैल को दुनिया का खात्मा हो जाएगा। नासा ने बताई है इस वायरल न्यूज़ की सच्चाई। दोस्तों आप देख सकते हैं, आगामी 29 अप्रैल यानी 1 महीने बाद दुनिया से मानव सभ्यता का खात्मा हो जाएगा। ऐसा वीडियो में बताया जा रहा है कि आगामी 29 अप्रैल को एक एस्टेरॉयड जिसकी लंबाई इतनी है पृथ्वी से टकरा सकता है और दुनिया ख़त्म हो सकती है। आपको बता दें, लगभग 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच के व्यास वाला ये एस्टेरॉयड है। ये पृथ्वी से करीब 4 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा। सच्चाई ये है दोस्तों कि ये दूरी इतनी है कि अपने 8 बारी चंद्रमा पर जाके वापिस जाएं, इतनी दूरी है। सच्चाई ये है दोस्तों, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही इसकी गति कितनी भी हो, लेकिन इसे पृथ्वी से कोई नुकसान नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहे न्यूज़ 24 आरजे हिंदी के साथ। धन्यवाद।